अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोग खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अरे भाई, मैं ये जुल्म जो हमारे साथ हो रहा है, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ। हाजी हजरात के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है इस टाइम, और सिर्फ ये पाकिस्तान के हाजियों के साथ है। हम लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, किसी कूलर में एक कतरा पानी नहीं है। ये कूलरों की हालत है, ये हालत है कूलरों की। ये देखें, ये हालत है कूलरों की। ये बेचारे हाजी जो हैं, ये पानी की बोतलों में वजू करने के लिए पानी लेके आ रहे हैं, पानी की बोतलों में पानी पेशाब करने के लिए पानी लेके आ रहे हैं। कूलर खाली पड़े हुए हैं, कोई एसी नहीं चल रहा, कोई कूलर नहीं चल रहा। गर्मी से बुरा हाल है, खाने को कुछ नहीं मिला। कोई बंदा सुबह से पूछने नहीं आया हमें। ये माएँ बहने हमारी, मेरी माएँ बहने ऐसे कर रही हैं वजू, पानी की बोतलें भर भर के बेचारी ये खड़ी हुई है सारी की सारी। ये पानी, ये हालत है यहाँ पे। ये कूलर देखें पानी के खाली, जिस साइड पे जाऊंगा पानी के खाली कूलर नजर आ रहे हैं। ये भाई देखें, ये ऐसे पानी की बोतलें भर भर के हम वजू कर रहे हैं पानी पीने के लिए। ये हालत है हमारी, ये हालत है। ये देखें, ऐसे पानी निकाल रहे हैं हम तरस रहे हैं पानी के लिए, पीने के पानी के लिए। एसी बिल्कुल ख़राब है, एसी काम नहीं कर रहे हैं। ये देखें, ये हालत कूलरों की, ये कूलरों की हालत है, ये कूलरों की हालत है। यहाँ इन पानी में पानी का एक कतरा पीने के लिए नहीं है। हम वजू कहाँ से करेंगे, बाथरूम कहाँ से जाएंगे? कोई खुदा रहा यार, हम पे रहम करें, ये वीडियो किसी तरह किसी मौजूद आदमी को पहुँचाएँ, किसी बेशरम को शर्म हाथ दिलाने के लिए पहुँचाएँ। और सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारी ये है कि ये देखें, मैं फैमिले में दाखिल हो रहा हूँ, ये एक साइड पर औरतें, और औरतों की हालत ये है, ये हालत है। और ये मर्द हैं, ऊपर मर्द लटाए हुए हैं, ये औरतें लटाई हुई हैं। ये कहाँ का इंसाफ है यार, हम आज के लिए आए हुए हैं। ये देखें, ये ऊपर देखें मर्द हजरात लेटे हुए हैं, नीचे औरतें। ये इंतज़ाम है इस गवर्नमेंट का, ये जो बड़े बड़े दावे करती थी हमने हाजियों के लिए ये कर दिया, और सबसे महंगा हज इस गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड किया है। बेड़ा गर्क करके रख दिया इसने हमारा यहाँ पे। हम ये हालत है, ये एसी चल रहे हैं, और लोग बेचारे कपड़े उतार के लेटे हैं सारे के सारे। हम क्या एहतराम करेंगे अपने आराम का, तो खुदा के लिए हम पे रहम करें यार। ये देखें, ये बंद है, एसी बंद है, बुरा हाल है यहाँ पे, कोई पूछने वाला नहीं है। तो खुदा के लिए हमारी मदद करो यार। ये हाँ, ये मकतब नंबर 94 है, और 901 बिल्डिंग है, 902 बिल्डिंग है, 904, तमाम जो मकतब नंबर 94 है, ये इसकी यही हालत है। तो यार खुदा के लिए हम पे रहम करें। इतने पैसे लेने के बावजूद हमें इतना जलील किया जा रहा है, और सिर्फ पाकिस्तानी को किया जा रहा है यहाँ पे। ये हालत सिर्फ पाकिस्तानियों की है। अगर आप चाहते हैं, मैं किसी और के खेमे में भी ले जाके तस्वीरें दिखा दूंगा आपको। यहाँ 500-500 बंदा पाकिस्तानियों का एक खेमे में डाला हुआ है, बाकियों का किसी का 50 है, किसी का 60 है, किसी का 100 है। और वहाँ पे भी इंतज़ाम इतना अच्छा है एसी का, और हमारी हालत ये बकरियों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह, जानवरों की तरह हमें ये डाला हुआ है, और ये हम सारा कुछ कर रहे हैं। हमारे बच्चे पानी के लिए तरस रहे हैं, पानी पीने के लिए तरस रहे हैं, पीने के लिए पानी नहीं है यार। ये वीडियो प्लीज़ किसी ऐसे इंसान को पहुँचा दें जो थोड़ा हमारी, हम पे रहम कर दे, हमें हमारे से कोई रब्ता कर ले, कोई बंदा यहाँ गवर्नमेंट से रब्ता कर ले, हमारी हालत पे कोई रहम कर ले। ये हालत है, हम पानी ऐसे बोतलों में इकट्ठा कर रहे हैं, पीने के लिए पानी इकट्ठा कर रहे हैं, पीने के लिए पानी नहीं है। खुदा के लिए कोई रहम करें हमारे ऊपर यार, खुदा के लिए।